सोहना की अनाज मंडी में जननायक जनता दल पार्टी द्वारा विजय संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और प्रदेश प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि कार्यक्रम का आयोजन राज्य में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर किया गया है। विजय संकल्प सम्मेलन के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस के लिए जाएगी और दूसरी सीट जेजेपी के लिए और तीसरी सीट बीजेपी के हिस्से में आएगी। एक सीट गठजोड़ के हिस्से आएगी, एक सीट कांग्रेस के हिस्से आएगी। कांग्रेस मंथन करने की बजाय अपनी परिस्थितियों को, हालात को सुधारने का काम करें। मंथन तो सारे देश में इन्होंने पहले ही कर लिया और लोगों ने वोट के जरिए सब कुछ जाहिर कर दिया। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ कांग्रेस का पूरी तौर पे सुपड़ा साफ हो रहा है। मैंने बताया कि स्थानीय निकाय चुनाव जो है वो सेमीफाइनल है और इसके जरिए हरियाणा प्रदेश का शहरी जागरूक मतदाता अपना भविष्य तय करेगा। वहीं राजस्थान में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर अजय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के चिंतन करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि सोहना में आयोजित किए गए कार्यक्रम का उद्देश्य निकाय चुनाव है, क्योंकि निकाय चुनाव विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल है। गौर करने वाली बात यह है कि जेजेपी के इस कार्यक्रम में पार्टी के कई पुराने नेता ना तो होर्डिंग पर दिखे और न ही कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिससे साफ उजागर होता है कि निकाय चुनावों से पहले ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपसी गुटबाजी है। लेकिन देखना होगा कि कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए पार्टी के आलाकमान नेताओं द्वारा किस तरह के प्रयास किए जाते हैं। सोहना से सतीश कुमार राघव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।